नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन बीए पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी में अपन बात कर रहे थे संसाधन भूगोल में, और अपना टॉपिक चल रहा था चावल, यानी खाद्यान्न फसलों में अपने पास में टॉपिक चल रहा था चावल। चावल का अपन ने परिचय और उसकी किस्में और उनके जो उत्पादन होने के जो आधार पर, जो चावल का उत्पादन होने के आधार पर या बोने के आधार पर जो विधियाँ थी उनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था, और साथ में चावल के उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं थी, यानी कि क्या कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा, कितनी वहाँ पर कैसा धरातल होना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए और कैसे कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। आज अपन चावल उत्पादन का विश्व वितरण पढ़ेंगे कि विश्व में जो चावल का जो उत्पादन है वो कौन कौन से देशों में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अपन चावल का जो विश्व वितरण की अपन बात करते हैं, तो चावल जो विश्व में जो कुल जो चावल उत्पादन होता है, कुल चावल उत्पादन होता है उसका 92%, यानी कि विश्व में जो कुल चावल उत्पादन होता है उसका 92% चावल का उत्पादन अकेले एशिया महाद्वीप में होता है। यानी कि विश्व में जितना भी चावल उत्पादन होता है उसका 92% यानी 92% चावल कौन से महाद्वीप में होता है, एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर हैं, और चावल उत्पादन में भी एशिया महाद्वीप का प्रथम स्थान आता है। चावल उत्पादन में एशिया महाद्वीप का प्रथम स्थान है। और अपन क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि संपूर्ण विश्व में कितने क्षेत्र में चावल बोया जाता है, उसमें भी एशिया महाद्वीप का प्रथम स्थान आता है। और एशिया महाद्वीप के लगभग 90% जो अपना कृषि क्षेत्र है उसके भाग पर चावल बोया जाता है। कितना आ रहा अपने पास में, 90% जो क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर चावल की जो कृषि की जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाले जो देश हैं उसमें हैं चीन और भारत। यानी कि चीन और भारत, जितना भी विश्व में चावल का उत्पादन होता है उसका 53.2% चावल का जो उत्पादन अकेला अपने पास में चीन और भारत मिलकर करते हैं। यानी कि विश्व में जितना भी चावल का उत्पादन होता है उसका 53.2% चावल का उत्पादन किया जाता है। अपन बात कर रहे हैं कौन से महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का कुल कितना 92% चावल का उत्पादन करता है, कितना 92% चावल का उत्पादन करता है। और जो अपने 90% भूभाग पर या क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। एशिया महाद्वीप में चीन और भारत मिलकर 53.2%, यानी विश्व में जितना भी चावल उत्पादन होता है उसका 53.2% चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। एशिया महाद्वीप के जो अपने पास में ये जो दक्षिणी भाग हैं, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग, और ये आ गया अपने पास में दक्षिणी पूर्वी भाग। यानी कि कौन सा भाग आ गया अपने पास में, एक तो आ गया अपने पास में दक्षिणी भाग और साथ में दक्षिणी पूर्वी भाग। ये दोनों क्षेत्र मिलकर एशिया महाद्वीप का लगभग 70% चावल का उत्पादन करते हैं। यानी कि विश्व उत्पादन की अपन बात कर रहे हैं तो विश्व में जो कुल चावल का उत्पादन होता है उसका 92% चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप के द्वारा किया जाता है या एशिया महाद्वीप में होता है। और इसके कुल जो अपने कृषि क्षेत्र में जो चावल की कृषि की जाती है उसके 90% क्षेत्र जो चावल का भूभाग है वो एशिया महाद्वीप में ही है। साथ में एशिया महाद्वीप के दो बड़े देश, चाहे वो जनसंख्या में हो, वो जनसंख्या के दो बड़े देश हैं वो चीन और भारत, वो दोनों मिलकर संपूर्ण विश्व का 53.2% चावल का उत्पादन करते हैं। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग जिसमें भारत आता है दक्षिण भाग में, और अपना दक्षिणी पूर्वी भाग जिसमें चीन और अपने पास उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया वगैरह जो हांगकॉन्ग सिंगापुर आते हैं उस क्षेत्र की अपन बात करते हैं, तो ये जो क्षेत्र मिलकर लगभग एशिया महाद्वीप का
70% चावल का उत्पादन करते हैं। यानी कि ये तो था अपना थोड़ा सा अपना जो विश्व के जो वितरण में कि अपना कहाँ किस क्षेत्र में किस प्रकार से चावल का उत्पादन किया जाता है। अब अपन विश्व उत्पादन में पर्टिकुलर जो देशों के हिसाब से बात करते हैं कि कौन से देश में कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन किया जाता है, कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चीन की। यानी कि जो चीन चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है ना, सबसे अधिक जो चावल का जो उत्पादन करता है या उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है। चीन में लगभग अपन बात करते हैं कि जो संपूर्ण जो विश्व का 31.3% चावल का उत्पादन होता है। यानी कि जो संपूर्ण जो विश्व में जो चावल का उत्पादन होता है उसका 31.3% अकेले चीन में किया जाता है। चीन में जो चावल का जो उत्पादन किया जाता है वो अपने पास में 3.75 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। यानी अपन चीन की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि चीन में कितना प्रतिशत संपूर्ण विश्व का 31.3% चावल का उत्पादन किया जाता है और इसके 3.75 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। चीन का चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। यानी कि चावल उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके बाद में अपन आते हैं चीन के जो प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी कि जो अपने पास में विश्व का जो 31.3% चावल का उत्पादन हो रहा है वो वर्ल्ड मैप में अपन बात करें कि चीन के कौन से क्षेत्र में जो चावल का उत्पादन हो रहा है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इस क्षेत्र में चीन है, तो चीन के कौन से क्षेत्र में चावल का उत्पादन हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि संपूर्ण जो चीन में ही जो चावल का उत्पादन होता है। इसके लिए चावल के उत्पादन के लिए कुछ विशेष जगह, जैसे अपने मिट्टी वाले जो क्षेत्र में पड़ा था कि चावल का जो उत्पादन विशेष रूप से कहाँ कौन से या कौन से मिट्टी में उत्पादन होता है, उसके लिए अपने पढ़ा था कि जो काप जो अपने काप मिट्टी होती है, चिकनी दोमट मिट्टी होती है, उसमें चावल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है, क्योंकि उसमें नमी बनाए रखने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है, अर्थात जल जो उसमें ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। तो चीन के कौन से क्षेत्रों में जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो अपन बात करते हैं कि चीन का जो एक अपने पास में दक्षिणी भाग, चीन का दक्षिणी भाग वह मध्य दक्षिणी भाग, यानी कि कौन सा क्षेत्र, ये जो भारत है अपने पास में, भारत के जस्ट हिमालय के बाद में तिब्बत को अपन ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आएगा यहाँ पर, और इसके पास वाला जो क्षेत्र है ये अपन इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, यानी इस क्षेत्र में जो चाइना का ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चावल की सबसे अधिक कृषि की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो वर्षा की जो मात्रा है, जैसे अपन ने कल जो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि चावल की कृषि के लिए वर्षा की जो मात्रा है वो 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक से अधिक होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो सिंचाई करके वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो बारिश की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 150 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती हैं। यानी 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के साथ साथ इस क्षेत्र की, यानी जो चीन की जो विश्व प्रसिद्ध नदियाँ हैं, यांग, टीसी क्यांग और सिक्यांग, यानी यांग टीसी क्यांग और सिक्यांग, इन नदियों के द्वारा जो निर्मित उपजाऊ मैदान हैं जिसमें काप चीका दोमट मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं,
उससे निर्मित मैदान भी इसी क्षेत्र में, यानी ये जो अपने डायरेक्शन है दक्षिण और मध्य दक्षिण और दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में जो अपने पास में यांगती, सिक्यांग और सिक्यांग नदियों के द्वारा जो निर्मित उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर चीन में चावल की कृषि सबसे अधिक की जाती है। उसके साथ में चीन में एक अपने पास में है जेचुआन बेसिन, जेचुआन बेसिन, और साथ में अपने पास में कौन सा क्षेत्र आया था, दक्षिणी पूर्व भाग। अगर इन दोनों की अपन बात कर लेते हैं तो चाइना में जितना भी अपने पास में चावल उत्पादन होता है उसका 90% चावल जेचुआन बेसिन और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र हैं वो चाइना में जितना भी चावल उत्पादन होता है उसका 90% चावल को उत्पादन इन दोनों क्षेत्रों में से किया जाता है। ये था अपने पास में चाइना में या चीन में चावल उत्पादन जो होता है उसका वितरण। इसका एक बार अपन पुनः देख लेते हैं, चावल उत्पादन की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान है और ये 31.3% चावल का उत्पादन करता है। 3.75 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की कृषि बोई जाती है। और इसमें अगर विश्व वितरण की अपन बात कर रहे हैं तो चीन के दक्षिण, मध्य दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में चावल की कृषि की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में यांगती, सिक्यांग और सिक्यांग नदियों के साथ साथ में क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर वार्षिक जो वर्षा का औसत है उससे अधिक बारिश होती है। साथ में इन नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसीलिए अपने पास में जेचुआन बेसिन और दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं, चाइना में जितना भी चावल उत्पादन होता है उसका 90% चावल इसी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। नंबर दो पर बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन है, यानी विश्व में जो चावल उत्पादन करने की दृष्टि से सेकंड पोजीशन पर कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर चाइना था और चावल उत्पादन में भी चाइना का सबसे पहला स्थान आता है। तो वैसे वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या की बात करते हैं, दूसरे स्थान पर भारत है और चावल उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि भारत में जो चावल की जो कृषि मुख्य रूप से, चावल की कृषि मुख्य रूप से खरीफ फसल ऋतु में की जाती है, खरीफ फसल ऋतु में की जाती है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चावल की जो कृषि है वो रबी की ऋतु में भी की जाती है। यानी कि भारत के उससे ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां पर जो चावल की कृषि जो है रबी की ऋतु में भी, फसल ऋतु में भी की जाती है। यानी कि भारत में मुख्य रूप से जो चावल की कृषि कौन सी ऋतु में की जाती है, खरीफ फसल ऋतु में की जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में रबी के सीजन में भी चावल की फसल बोई जाती है। अगर अपन बात करते हैं चावल जो भारत में, चावल जो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है, अर्थात सबसे अधिक जो अपने खाद्यान्न फसलें हैं जैसे अपन मान लें गेहूं और चावल हैं, उसमें सबसे अधिक चावल को खाया जाता है। यानी खाद्यान्न फसलों में अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन आता है अपने भारत में, चावल। चावल उत्पादन की दृष्टि से, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यहां पर जो विश्व का जितना चावल होता है, जैसे चाइना में था अपने पास में, चीन में कितना था, 31.3% चावल का उत्पादन होता था, वैसे ही भारत में जो विश्व में जो कुल चावल उत्पादन होता है, यानी कि विश्व में जो कुल चावल उत्पादन होता है उसका 21.9%, यानी 21.9% चावल का उत्पादन भारत में होता है। यानी जैसे चीन में कितना था, 31.3 था, वैसे भारत में कितना है, 21.9% चावल का उत्पादन करके भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
अगर अपन बात करते हैं कि भारत में जो विश्व में जो कुल चावल की जो कृषि क्षेत्र हैं उसका भारत में कितना प्रतिशत है, जैसे चाइना में अपने पास कितना जो करोड़ हेक्टेयर हैं, जैसे अपने पास चाइना में था 3.75 करोड़ हेक्टेयर था, वैसे ही भारत की अपन बात करते हैं भारत में 44.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है। यानी कि देखो यहां पर अपने पास में क्या गया मिलियन, जबकि यहां पर क्या था करोड़, है ना, यहां पर अपने पास में क्या आ रहा है करोड़ और यहां पर अपने पास में मिलियन। तो करोड़ और मिलियन में क्या अंतर है, करोड़ यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। यानी कि 1 मिलियन में कितनी संख्या होती है, अपने पास में 10 लाख हैं और 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। तो अगर करोड़ में अगर अपन इसको कन्वर्ट करना चाहें, बदलना चाहें, तो इसमें 10 का अगर अपन भाग दे देंगे तो ये अपना जो हेक्टेयर हैं क्षेत्रफल हैं वो किस में बदल जाएगा, करोड़ में बदल जाएगा। तो भारत में जो चावल की जो कृषि की जाती है वो कितने अपने पास में हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, 44.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। अगर भारत की अपन बात करते हैं पुनः रिवीजन अगर देखें तो भारत में जो चावल की जो कृषि है वो खरीफ की ऋतु में की जाती है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र जहां पर रबी की ऋतु में भी चावल की कृषि की जाती है। खाद्यान्न फसलों की अगर अपन बात करें तो चावल का प्रथम स्थान आता है खाद्यान्न फसलों में। अगर भारत में अगर जो अपन खाना जो खाने के हिसाब से अगर देखें तो प्रथम स्थान किसका आता है, चावल का आता है। विश्व उत्पादन की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में 21.9% चावल का उत्पादन कर विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। और अगर क्षेत्र की बात करते हैं कि कितने क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है तो वो आएगा 44.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। मिलियन और अपन करोड़ में अपन ने अंतर देख लिया, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। अगर अपन बात करते हैं भारत के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, अब जैसे अपन ने जो वर्षा वाली जो बात अपन ने पढ़ी थी कि पहले तो अपने पास में था समतल मैदान होने चाहिए, वर्षा की मात्रा 120 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर इससे कम बारिश होती है अर्थात 100 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्रों में जो चावल की कृषि है वो सिंचाई के द्वारा की जाती है। तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के भी जो अपने पास में अपन बात करते हैं दक्षिण अपन बात करें पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल हैं, अपने पास में पश्चिम बंगाल के पास में सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के बाद में अगर अपन बात करें कि कौन से क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है तो भारत में सबसे अधिक जो चावल उत्पादक राज्य हैं वो अपने पास में पश्चिम बंगाल, यानी भारत में सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में नंबर आ रहा है अपने पास में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आ रहा है अपने पास में पंजाब, पंजाब के बाद में आ रहा है अपने पास में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आ रहा है अपने पास में आंध्र प्रदेश, यानी दूसरे पांचवें नंबर कौन सा आ गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में कौन सा आ रहा अपने पास में बिहार है, बिहार के बाद में छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद में जैसे अपन गए कि अपने पास में हरियाणा है, और भी जो राज्य हैं वहाँ पर जो छोटे मोटे या अपन कह रहे गौण जो चावल के उत्पादक राज्य हैं, लेकिन ये अपने पास में क्या आ रहा है प्रमुख चावल के उत्पादक हैं राज्य हैं, जिसमें सबसे अधिक कौन सा अपने पास में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पंजाब। अगर इन तीन राज्यों की अगर बात करते हैं तो तीनों राज्यों में जो अपने गंगा यमुना
या जैसे अपन पंजाब की बात करें तो पांच जो नदियों वाला शहर हैं, रावी, सतलज, व्यास, झेलम, जो नदियों से निर्मित जो मैदानी क्षेत्र होने के कारण उत्तर प्रदेश में अनेक नदियों के द्वारा, इसमें गंगा भी हैं, यमुना भी हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, जो भी नदियां हैं उनसे निर्मित मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरती हैं और पश्चिम बंगाल में विश्व का सुप्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा भी इन नदियों के द्वारा निर्मित हैं। तो इन क्षेत्रों में जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र होने की वजह से उपजाऊ हैं, और उपजाऊ क्यों हैं, क्योंकि उनमें काप, जो चीका, दोमट मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसीलिए भारत के जो तीन प्रमुख जो चावल उत्पादक राज्य हैं उनमें पहले नंबर पश्चिम बंगाल, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उसके बाद में अपने पास में पंजाब। पश्चिम बंगाल में चावल की तीन किस्में बोई जाती हैं। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं अपन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो चावल की तीन प्रमुख किस्में बोई जाती हैं उसमें ओस, अमन और बोरो हैं। ये अपना पास में कौन सा आ गया? भारत। यानी भारत में जो चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। उसके बाद में अपन थर्ड नंबर पर बात करते हैं कि तीसरा प्रमुख चावल उत्पादक जो देश हैं वो कौन सा है। जैसे अपन वर्ल्ड मैप की बात करें तो अपने पास में यहाँ पर तो अपने पास में कौन सा था? ये तो आ गया चीन और ये आ गया अपने पास में भारत। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर भारत और तीसरे पर आएगा अपने पास में यहाँ पर है इंडोनेशिया। कौन सा देश आएगा तीसरे पर? इंडोनेशिया। यानी कि चावल उत्पादक जो तीसरा जो प्रमुख देश है वो कौन सा है अपने पास में? इंडोनेशिया। ये भी अपने पास में एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगर यहाँ पर संपूर्ण विश्व की दृष्टि से इसकी तुलना की जाए तो ये है संपूर्ण विश्व का 8.6% चावल उत्पादन करता है। कितना? 8.6% चावल उत्पादन करके इसका विश्व में तीसरा स्थान है। इसका विश्व में तीसरा स्थान है, यानी तीसरा प्रमुख जो चावल उत्पादक जो देश है वो इंडोनेशिया है। यहाँ पर संपूर्ण जो चावल उत्पादक जो क्षेत्र की बात करते हैं तो इंडोनेशिया में संपूर्ण विश्व का 6%, कितना? 6% चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी कि इंडोनेशिया के द्वारा, किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा संपूर्ण विश्व का 8.6% चावल का उत्पादन किया जाता है और इसका विश्व में तीसरा स्थान है। जबकि यहाँ पर संपूर्ण जो विश्व के कुल जो चावल उत्पादक क्षेत्र का 6% भाग इंडोनेशिया के पास हैं। अगर यहाँ के अपन प्रमुख जो चावल उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं, प्रमुख चावल उत्पादक अपन क्षेत्र की बात करते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप है जावा द्वीप। यानी इंडोनेशिया का जो प्रमुख द्वीप है जावा द्वीप, जहाँ पर चावल की सबसे अधिक कृषि की जाती है। इसके साथ में जावा द्वीप के साथ में अपने पास में सुमात्रा, सुमात्रा के साथ में बोर्निया, अन्य बोर्निया के साथ में तिमोर आदि जो द्वीप हैं, यानी इन द्वीपों पर भी, यानी इन द्वीपों पर भी चावल की कृषि प्रचुर मात्रा में की जाती है। कौन कौन से आ गए अपने पास में? जावा द्वीप आ गया, सुमात्रा है, बोर्निया है, तिमोर है, इन क्षेत्रों में भी चावल की कृषि प्रचुर मात्रा में की जाती है। इंडोनेशिया में जो चावल की जो कृषि की जाती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर की जाती है, यानी सीढ़ीनुमा खेत बनाकर की जाती है। कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि भी की जाती है, इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया की जो
वहाँ की जो अपन जो स्थानीय जो भाषा है, जैसे अपन स्थानांतरण शिल्प जो कृषि को अपने पूर्वोत्तर जो राज्यों में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, वैसे ही इंडोनेशिया में स्थानांतरण शील जो कृषि है उसको इंडोनेशिया में लदांग यानी लदांग के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पर जो चावल की कृषि एक तो आर्द्र क्षेत्र में की जाती है और एक की जाती है शुष्क क्षेत्र में। जैसे शुष्क क्षेत्र के बारे में अपन ने पढ़ा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो चावल की जो कृषि की जाती है, उस चावल की कृषि को यानी कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जो चावल की कृषि की जाती है उसको शुष्क कृषि, और जो मैदानी क्षेत्रों में जो चावल की कृषि की जाती है उसको आर्द्र कृषि कहते हैं। तो जो आर्द्र जो चावल की कृषि है उसको इंडोनेशिया में सहावा के नाम से जाना जाता है, जबकि शुष्क कृषि को हुमा के नाम से जाना जाता है। यह था अपने पास में इंडोनेशिया, जो विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से तीसरा प्रमुख देश है, जो 8.6% चावल का उत्पादन करके विश्व में तीसरा प्रमुख स्थान रखता है। आगे के जो अपने चावल का जो विश्व उत्पादन है उसका वितरण है उसका अध्ययन अब अगले वीडियो में किया जाएगा। इसके लिए आप लगातार अपने जो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।